हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ में पत्थर चट्टा प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ये जो प्लांट है ये मोस्टली जो है किडनी स्टोन के लिए और जो भी यूरिनरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए यूज़ में आता है और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसे जो है एयर प्लांट या फिर आप इसे ब्रायोफिलम पिनाटम के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो है किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल जाता है और बहुत ही इजीली ये ग्रो होता है। देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये अपने आप ही अपने ही पत्ते से ग्रो हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे मिट्टी में डालकर भी ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास अगर इसका प्लांट है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दें, अपने आप ही छोटे छोटे से प्लांट्स देख सकते हैं इसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा एकदम निकला हुआ है इसमें, और भी कई सारे इसमें जो है बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये देख सकते हैं पत्ते में से खुद से निकले हुए हैं, रूट भी इसमें आ चुकी है और ये प्लांट अपने आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बड़ा सा निकल चुका है इसमें। तो इसे जो है आप चाहे तो इसमें से निकाल कर और आराम से इसे लगा सकते हैं, या फिर कहीं से भी अगर आपको इसकी पत्ती मिल जाती है तो उसे अगर आप मिट्टी में डाल दें तोड़ करके तो उसमें से भी अपने आप ही ऐसे छोटे छोटे से प्लांट्स निकल जाते हैं। तो ये ग्रो करने में बहुत ही ईजी है, तो आप भी इसे ग्रो कीजिए। इसका जो पत्ते होते हैं इसको जो है सुबह खाली पेट खाने से आपकी जो भी यूरिन की जो समस्या होती है या फिर किडनी स्टोन है किसी को, तो आप उसे ये सुबह खाली पेट अगर खिलाते हैं तो जो है एक पत्थरी जो होती है वो गल जाती है अपने आप ही। तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसे हम कैसे बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, पत्ते से अलग हो जाता है और इसे आसानी से आप मिट्टी में लगा कर ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ले रही हूँ एक कप, इसमें जो है मैंने कटिंग लगाई हुई है मनी प्लांट की, तो दो जो पत्ते हैं वो थोड़ा ख़राब हो गए तो मैं सोच रही हूँ इसी में ही मैं इसे ग्रो करूँगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है 1 इंच के करीब का होल किया है और इसमें ही थोड़ा सा इसको डालकर पिन और फिर दबाकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसी में हम इसे लगा देंगे। देख सकते हैं बहुत ही ईजीली ये हो जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही आसान तरीके से ये ग्रो होता है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, ना तो ज़्यादा इसमें पानी देना होता है क्योंकि ये एक सकेलेंट है तो इसलिए इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक जो है लगा रखा है। होपफुली जो ये वीडियो है आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप सभी को मेरी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए।